हेलो हरी पटरी में आपका अगेन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रोहित कनौजिया है और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और इसकी पहले मेरी वीडियो एक आ चुकी है जिसमें मैंने बताया था रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है एंड देन टाइप्स ऑफ मोशन मैंने बताया था। और अभी मैं इस पे बात करूंगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगेन हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगेन फिर उसके बाद चलेंगे एक दूसरा जो अगेन नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस होता क्या बेसिकली, है ना, कभी कहते नहीं है कि मैं कहता हूं कि मैं आज अपने घर से अपने दोस्त के घर गया, है ना। और कभी कभी आप लोग भी कहते हो कि मैं आज 2 किलोमीटर चला, मैं बहुत थक गया हूँ। या कभी कभी कहते हो कि आज मैं मेला देखने जाऊंगा या देखने कल गया था मेला, है ना, उसमें बहुत मैं पैदल चल लिया, करीब मेला 2-3 किलोमीटर चलना पड़ा, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, है ना, मेला घूमने गए थे, बता तो दिए 2-3 किलोमीटर गया था, लेकिन अब यही से हमको समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस कहता क्या है। डिस्टेंस ये कहता है कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करेंगे कि मेरा घर यहां पे है ना, मैं यहाँ पे हूँ, अभी मेरा घर कहाँ पे है, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे, और ये मेरा होम है। ठीक है, और उसके बाद मैं घर से निकला, कहाँ से निकला, घर से निकला, घर से निकलने के बाद यानी जाहिर सी बात है अगर मेरा घर है यानी कि मेरे वो क्या है इनिशियल में है, ये मेरा क्या है इनिशियल इनिशियल पॉइंट हो गया है ना, ये इनिशियल पॉइंट हो गया है। अगर आगे की बात करेंगे और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मेला लगा हुआ है, कौन सा, दधिकांधो मेला। ठीक है, यहाँ पे मेला लगा हुआ है, मेला यहाँ पे लगा है, मुझको यहाँ से यहाँ तक जाना है, देन मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन ये है। अब अगर हम बात करेंगे कि फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन मेरी मेला हो गई है, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन यानी यहां से यहां जाने में कुछ तो मैं गया होगा, पैदल चल के गया हूं या गाड़ी से गया हूं साइकिल से, ये डजंट मैटर, मैटर करता है कि मैं किससे गया हूं, लेकिन कुछ पाथ को मैं ट्रेस करूंगा यहां से यहां तक, कुछ तो मैं चलूंगा ना, ऐसा तो नहीं चलूंगा, यानी कि यही क्या है हमारा डिस्टेंस है कि ऐसा, यानी कि यहाँ इनिशियल से फाइनल बोले तो द पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, वही क्या होता है, ये जो इनिशियल एंड फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसी को तो कहेंगे क्या डिस्टेंस, अंडरस्टूड, इसी को क्या कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे ये, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यहां पे कुछ टाइम तो लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि मैं अगर कुछ काम करूं वहां पे टाइम ना लगे, या आप कहीं कुछ काम करें वहां पे टाइम ना लगे, या आप कहीं अपने घर से स्कूल जाते हैं वहां टाइम ना लगे, या स्कूल से घर आते हैं वहां टाइम ना लगे। और अगर कितना भी बड़ा होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी होगा, उसको कहीं ना कहीं अगर जाना है तो डिस्टेंस जरूर ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस जरूर क्या करेगा, उतना ट्रेस करेगा, है ना, जितना भी डिस्टेंस उसको जाना होगा वो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा ही, इसी को हम लोग क्या कहेंगे डिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। चाहे अगर इसकी बात करेंगे, जैसे क्या होता है मोदी जी है, अगर इनकेस वो अगर जाते हैं इंडिया से अमेरिका जाते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई मोदी है, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे राष्ट्रपति हो, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो वो ना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे हुए घर में बैठे हुए वो पहुंच जाएंगे, ऐसा तो है नहीं है। यानी हमको चलना तो पड़ेगा ही, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं
डिस्टेंस, यानी कि हमारी इनिशियल से फाइनल पोजीशन जो भी हम पाथ करेंगे कवर करेंगे उसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अंडरस्टूड, मेरी बात तो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देखने के लिए कहीं रहे होंगे, कोचिंग में रहे होंगे, स्कूल में रहे होंगे, आए होंगे, स्कूल से ले लेते हैं या कोचिंग से ले लेते हैं, ठीक है। आप स्कूल में थे, वहां स्कूल से पढ़ के आए, आपको किसी ने बताया कि एक हरी ट्यूटोरियल चैनल है, उसको लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। आप वहां से आए, देन अब या तो स्कूल में किसी ने बताया होगा या तो कोचिंग में किसी ने बताया होगा, तो क्या होगा, आप वहां से आते हैं और ये आपका स्कूल या कोचिंग आपका इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इनिशियल, इनिशियल पॉइंट है। एंड देन आप जब अपने मोबाइल के पास आ जाते हैं तो आपका क्या है, फाइनल पोजीशन, क्या है, फाइनल पोजीशन है। देन अगर इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक अगर आप जाते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, तो आप यहां से यहां जब जाएंगे तो कुछ आपको टाइम लगेगा। इस पाथ में अगर आप ट्रेवल करेंगे, यहां से यहां तक इस पाथ में अगर आप ट्रेवल करेंगे तो कुछ तो टाइम लगेगा ना। जब टाइम लगेगा यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, कि मैं आज स्कूल से गया और मोबाइल मेरा कहां रखा था, मोबाइल घर में रखा था, जाहिर सी बात है घर में ही होगा, यानी होम में होगा। यानी जब मोबाइल घर में रखा हुआ होगा तो हम लोग जान जाएंगे कि यानी कि मैं डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 किलोमीटर, मेरा घर कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है कहाँ, स्कूल से लेकर के मेरे इस घर तक यानी कि मोबाइल तक, और यहाँ या तो फिर जो कोचिंग है आपकी, जो भी कोचिंग हो, वहां से लेकर के आपके यहाँ फाइनल पोजीशन यानी जहाँ आपका मोबाइल रखा है। और इतना करने में आपको टाइम लग रहा है 10 मिनट, पहुंचने में 10 मिनट, क्यों, क्योंकि आप पैदल जा रहे हैं, है ना, तो 10 मिनट तो लगेगा ही। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको 10 मिनट लगा, यानी कि इसको हम लोग कह देंगे ये क्या है, डिस्टेंस है। अंडरस्टूड, बातें समझ में आ गई होंगी, डिस्टेंस एक्चुअली में डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो यहां तक तुम्हारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर कुछ इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको हमको याद करना ही पड़ेगा, है ना, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ये कौन सी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। बस में आ गई ना। अगर नेक्स्ट बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर बाय ऑडोमीटर, यानी कभी कभी क्या होता है, हमारी साइकिल में तो लगा नहीं होता ऑडोमीटर, है ना, कहाँ लगा होता है, ये हमारे बाइक में लगा होता है, या फोर व्हीलर में देखें या टू व्हीलर में देखें, तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ऑडोमीटर से मेजर करते हैं। और ये जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं बाय द थ्रू ऑडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। अंडरस्टूड, बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें भैया, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं होगा। सुनिया भी है ना, यानी कि अगर मैं एक केस ले लूं और केस ये कहता है कि जैसे मैं यहां पे हूं, इस पॉइंट पे हूं, इस पॉइंट से लेकर के अगर मैं आगे तक गया, यहां गया, ये इनिशियल पॉइंट था मेरा, इनिशियल पॉइंट है, और मैं यहां से चला, यहां कुछ भी था, इन केस जैसे मान लो कि मैं होम में था, होम में था, होम से मुझे ये वीडियो बनाना था, और वीडियो बनाने के लिए मैं कहीं आया हूँ, है ना, और यहाँ पे जहाँ पे मुझे वीडियो बनाना था मैं यहाँ पे आ गया,
अगर इनकेस बोले तो कौन सी जगह है ये? प्रीतम नगर, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे, मुझे यहां से वीडियो बनाने के लिए यहां आना पड़ा, यानी कि जाहिर सी बात है मैं यहां इनिशियल पॉइंट से चला और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल पोजीशन है। इस फाइनल पॉइंट से, यानी फाइनल पोजीशन है, इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जब मैं आया तो मुझे इन केस मान लो कि 1 किलोमीटर था, इन केस 1 किलोमीटर है, तो जब मैं यहां आया तो 1 किलोमीटर मुझे कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगा। इतना टाइम लगा, यानी कि डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया? 5 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया। अब आगे अगर बात करेंगे यहां पे, तो यहां पे अगर फिर से यहां तक आया तो यहां पे अभी बात करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 किलोमीटर। यानी कि यहां पे आपको बात समझ में आ जाती है कि जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा डिस्टेंस के बराबर। बात समझ में आ गई है ना? अगर आगे बात करेंगे, अगेन भाई मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ये थोड़ी नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं रात भर यही रहूंगा, साल भर, डेढ़ साल भर यही रहूंगा, 2 साल तक यही रहूंगा, ऐसा तो कतई नहीं है। मुझे तो घर जाना है ना, तो मैं यहाँ से वीडियो बनाया एंड बनाने के बाद देन अगेन मैं यहां से कहां चले जाता हूँ? वापस घर चला जाता हूँ। जब मैं वापस घर चला गया तो यहां पे मैंने अब कितना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? 0। क्या हो गया है? 0। यानी जहां से मैं चला था वहां से अगेन मैं उसी पॉइंट पे आ गया। यानी कि आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे ये बातें समझ में आ जाती हैं। डिस्टेंस कैन बी इक्वल, डिस्टेंस इक्वल हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। किससे? डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन कभी कम नहीं होगा। ठीक है, बस समझ में आ गई ना? आगे की बात करेंगे, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विथ टाइम, ये तो पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगा, है ना? हम चलते चले जाएंगे, मेला में चलते चले जाएंगे, टाइम के साथ क्या करता जाएगा? वो इंक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा। मेला में हम घूमने स्टार्ट किए 9 बजे मेला में घूमने स्टार्ट किए, और जब स्टार्ट किए मेला में घूमने तो यहां से गए 9:30 बज गया, इतना 2 किलोमीटर चलने में, फिर उसके बाद यहां से यहां तक जाने में 10 बज गए हैं, और ये कितना किलोमीटर हो गया? ये 3 किलोमीटर जाने में। क्यों 3 किलोमीटर जाने में? यहां 3 किलोमीटर जाने में यहां आधा घंटा लगा, और यहां पे 9 से 9:30 जाने में उतना ही टाइम लगा। लेकिन यहां पे क्या हो गया था भाई? यहाँ पे मेला है, जाहिर सी बात है कि अगर मेला में हम घूमेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई केसेस तो होंगे, झांकी निकलेंगी, उनको लोग देख रहेंगे, तो भीड़ में हम निकल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आधे घंटे टाइम लग गया। लेकिन 3 किलोमीटर हम क्या करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। लेकिन आगे की अगर हम बात करें तो टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ 9 बजे था, यहाँ 9:30 एंड देन फिर क्या हो गया? 10 बज गया है। लेकिन क्या डिस्टेंस घट रहा है? क्या घट रहा है डिस्टेंस? नहीं ना, डिस्टेंस कतई नहीं क्या होगा, घटेगा। अगर आगे की बात करेंगे, अब यहां 10 बज गए थे, 10 बजे के बाद फिर से हम कहां चलते हैं? आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे 10 बजे के बाद फिर 11 बज गए हैं, और जैसे ही 11 बज जाएंगे यहां पे फिर मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 किलोमीटर। अगेन फिर से मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब यहाँ पे अब मैं देखता जा रहा हूं कि मैं ये कम नहीं हो रहा है, क्यों? टाइम के साथ साथ
2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, तो 3, 2, 5 और 6, 7, यानी कि यहाँ पे 7 किलोमीटर मैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या कर लिया हूँ, ट्रेवल कर लिया हूँ। और ये कब मैंने स्टार्टिंग किससे की थी, स्टार्टिंग मैंने किया था 2 किलोमीटर से, 2 किलोमीटर से मैंने स्टार्ट किया। अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, फाइनल पोजिशन मेरी कितनी हो गई है 7 किलोमीटर की। बात समझ में आ गई है ना, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट देखो भैया, पूरा वीडियो देखना, अगर समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और आपको यहाँ पे पूरा समझाया जाएगा कैसे जाओगे, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये पॉइंट तो मैंने पहले वहां पे बता दिया था, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पूरा बता दिया। यानी कि यहाँ पे हमारे ये यहाँ पे मैंने बात किया डिस्टेंस की, कैसे क्या होता है डिस्टेंस में, क्या क्या इंपॉर्टेंस चीजें होती हैं यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि आपको डिस्टेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है। अब आगे मैं बात करूंगा किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देन फिर दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, कि दोनों के बीच का कंपैरिजन देखेंगे कौन कैसा क्या है। देन उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले। अब किसकी बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, जो सबसे शॉर्टकट होगा ना। जैसे लोग कहते हैं कि आप हिंदी में अगर बोले बहुत ही एकदम हिंदी में बोले, जो गांव में यूज करते हैं उसको बोलते हैं कटवा, क्या कहते हैं कटवा, है ना। कटवा की बात करेंगे, यानी कि शॉर्टकट तरीके से चले, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि हम लोग के जो भी हम लोग रहते हैं, अगर इनके साथ गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कि अरे यार इधर से नहीं चलो, बहुत लंबा पड़ेगा, इधर से बहुत जाना, इधर उधर उधर जाना पड़ेगा, और मुझे शॉर्टकट से रास्ता पता है नहीं, कटवा पता है मुझको, इधर चलेंगे मुश्किल से 2 किलोमीटर हम लोग क्या पहुँच चलेंगे, उसके घर पहुँच चलेंगे, बस में आ गया। तो सभी लोग, ज्यादातर लोग आजकल क्या करते हैं, आजकल डिस्प्लेसमेंट का ही यूज करते हैं। आजकल क्या, पहले जमाने में भी लोग क्या क्या करते थे कि डिस्प्लेसमेंट का ही यूज किया करते थे। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि वो इतना बड़ा जो लंबा रास्ता है, जो डिस्टेंस है, वो कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो क्या करते थे, शॉर्टकट डिस्टेंस को क्या करते थे, वो अपनाते थे। लेकिन उनको बेसिकली पता ही नहीं था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये तो हमको बाद में पता चलता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। अब सबको पता हो गया है कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, लेकिन पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, उनको पता ही नहीं हुआ करता था कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। लेकिन हाँ, उनको ये पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि कटवा चला जाए हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच में, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आगे की बात करेंगे, जैसे ठीक है, आगे की बात करेंगे, तो यहां पे मेरा घर है, होम, ठीक है, और यहां पे मेरा घर है। अब यहां से मुझे जाना है कहीं पे, इनकेस मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है, एपी में कहा हूं, यहां से मुझको कहां जाना है, अपने फ्रेंड के घर यहां पे जाना है, इस पोजिशन बी पे जाना है। अब मैं सोच रहा हूं कि यार ए से बी, यानी अपने फ्रेंड के पास जाऊं, फ्रेंड के पास जाऊं, कि यहां पे मुझे शॉप है, एक शॉप है, शॉप में जाना है, मुझे शॉप है वहां पे जाना है, यहां पे मुझे काम है, और यहां पे मेरा कौन रहता है, फ्रेंड रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ यार मुझे जाना कहाँ पे, कैसे जाऊं, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और जब यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से अब हम जाएंगे पहले कहाँ, शॉप जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे काम है। मुझे मान लो कि मुझे राइस लेना है, चावल लेना है, उसको आज बनाना है, है ना, आज बना के खाना है, क्योंकि घर में अभी कोई नहीं है, केस मान लो तो हम लोग अभी अकेले हैं, तुमको यहाँ पे चावल खत्म हो गया है, हमको क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो
किराए पे कमरा लेकर के रहते हैं है ना जनरली, तो उनके लिए एक खास एग्जांपल है ना। तो उनको अब क्या करना है, यहाँ शॉप जाना है और राइस लेना है, चावल लेना है यहाँ से, और दिन उसके बाद फिर दोस्त के घर जाना है और बोलना है कि यार मैं कल स्कूल नहीं गया था, मुझे ऐसा करो कॉपी दे दो, ठीक है। तो अगर यहाँ से जाएगा अब ये क्या करेगा, ये इसको रास्ता नहीं पता है, ये ऐसे ही यहाँ से आता है कि यहाँ से रास्ता है ना, लेकिन इसको पता नहीं है क्या कैसे है। तो अभी आगे बस थोड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझना समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्या किया इसने, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और उसके बाद फिर ये आता है यहाँ पे, यहाँ पे इसने चावल ले लिया, लेने के बाद फिर अपने दोस्त के घर जाता, यहाँ पे इसका दोस्त है, या फिर दोस्त घर जाता है, पूछता है और क्या हाल चाल है, तो एग्जाम आने वाले हैं क्या, कैसे पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, ये सब पूछने उठने के बाद फिर क्या होता है, भाई लाओ तो मुझे कॉपी दो और मैं चलूँ अपने घर, ठीक है। अभी कहता है यार जल्दी करो भाई, नहीं मुझे देर हो जाएगी, आज की ढेर सारी बातें हो गई हैं, जल्दी करो नहीं मुझे देर हो जाएगी, मुझे इतनी दूर जाना है अभी, और भी अंधेरा हो जाएगा है ना, और रात में भी बहुत रात हो गई, मेरे घर में कोई है भी नहीं, मुझे भी चावल भी बनाना है। तो ये यहाँ पे जो ए वाला है ए कह रहा है बी से, तो जो बी भाई साहब है वो कह रहे हैं अरे यार इतनी जल्दी क्यों लगी है तुम्हें, ऐसा करो ना मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ जो सबसे आसान है, और तुमको अगर आना हो कभी तो हमेशा इसी रास्ते से आना, किस रास्ते से, इस रास्ते से, ये रास्ता, यहाँ से यहाँ गए थे इनको लगा था 4 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये है 5 किलोमीटर, बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये जो बी है इसका दोस्त है, दोस्त और ये जो इसका घर है ये 5 किलोमीटर है, और ए वाले को तो पता ही नहीं था कि ये क्या है सबसे शॉर्टेस्ट क्या है पाथ है इन दोनों के बीच में, ये दोस्ती के बीच में इतनी बड़ी दरार, इतनी बड़ी जो कि इस दोस्त ने बहुत अच्छा दोस्त है ना, बहुत अच्छा दोस्त था, इसने रास्ता बता दिया, और ये क्या इसने आसान रास्ता बता दिया है कि भाई बी से ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 किलोमीटर। अगर ऐसे देखो यहां से पहले यहां शॉप जाएगा अगर इसको कुछ काम होगा, और इसने बताया कि अगर तुम्हें कोई काम हुआ करे तो यही मेरे घर के बगल में यहां भी शॉप है, आ जाया करो, यहाँ ये भी एक शॉप है, वहां पे भी काम हो जाएगा तुम्हारा, और मुझसे मिल लोगे और दुकान से सामान भी खरीद लोगे, बात समझ में आ गई है। यानी कि मुझको लगता है कि यहाँ पे बहुत समझ में आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट हम कहते किसको है, तो आगे की बात करेंगे। यानी ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो ए से ये बी के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आगे की बात करेंगे, आगे की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह में, फिर नेक्स्ट हम जब न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे न्यूमेरिकल्स करने, बहुत इजी ट्रिक्स बताऊंगा मैं कैसे न्यूमेरिकल्स, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में डरते रहते हैं कि भाई फिजिक्स तो बहुत टफ है, इसमें सब कुछ तो सही रहता है, थ्योरी समझ में आ जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल ही नहीं हो पाता है, वो ऐसा क्यों होता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कशन करूंगा। इसके थोड़ा और आगे बातें कर लेते हैं कि पॉइंट्स शुड बी नोटेड मेलॉट, जज लोग को यह कहते हैं पॉइंट शुड बी नोटेड मेलॉट, कि जज साहब ये पॉइंट नोट किया जाए, तो आप भी ये पॉइंट नोट करिए। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब यहाँ पे इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो आगे की बात करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज विद टाइम, क्या होगा टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जहां पे मैंने डिस्टेंस में बताया था, एक केस बताया था कि वो कैसे टाइम के साथ वो डिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन यहां पे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, समझ में आ गया।
अभी की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। ये बात मैंने वहां डिस्टेंस में बताया था कि जो वहां पे डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होगा लेस नहीं होगा, लेकिन यहां पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो उससे क्या होगा कम होगा, लेकिन डिस्टेंस ऐसा होने वाला नहीं, डिस्टेंस बराबर होगा और ज्यादा होगा लेस नहीं होगा, कौन डिस्टेंस। ठीक है, आगे की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट केस अगर बोलूं तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, किस तरह से होगा, मेरी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें बताऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, बहुत ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से कर ले पाएंगे और आसानी से आप समझ जाएंगे कि कैसे हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे ये फंडा जो है पॉजिटिव का, नेगेटिव का एंड जीरो का, ये वहां पे उस वीडियो में आपको मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ कि कैसे हम उसको समझेंगे कि किस तरह से कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा एंड देन फिर हम लोग कहां पे चलेंगे, इस दोनों के न्यूमेरिकल्स में चलेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट फिर जो टॉपिक होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले होंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।